दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आपको इस कहानी में 5 ऐसे उपदेश बताए जाएंगे जो कि आपकी सफलता को ऊंची सीढ़ियों तक लेकर जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वो बड़ा ही धनवान था, लेकिन एक घटना की वजह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। यही सोचकर वो उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गया। जब वो दूसरे नगर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक संत मिले। वो संत बड़े ही आत्मज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। तो वो युवक भी उनके पास गया और बोला, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तभी संत ने उससे कहा, मैं यहीं पास के नगर में जा रहा हूँ। तभी उस युवक ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मेरा भी सफ़र कट जाएगा। तभी उन संत ने उस युवक से पूछा, बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस युवक ने कहा कि महाराज मैं पास के नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं, उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने उन संत को सारी घटना कह सुनाई। फिर वो उन संत के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी अखरने लगी, क्योंकि जो वो संत थे वो चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। तो उस युवक ने उनसे कहा कि महाराज आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो ये रास्ता और भी बड़ा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे ये सफ़र आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को भी शांति मिल जाए। इसके बाद वो संत बोले कि बच्चा मैं कहानी तो सुना दूंगा, मैं एक कहानी सुनाने के बदले एक सोने का सिक्का लूंगा। संत की बात सुनकर गंगाधर सोचने लगा कि मेरे पास तो केवल 5 सोने की मुद्राएं हैं, जिनमें से एक सोने का सिक्का देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन ये संत बड़े आत्मज्ञानी हैं, हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने एक सोने का सिक्का साधु को दे दिया और वो बोला कि लीजिए महाराज, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप जो भी सुनाएं वो सच्ची हो। तब वो संत बाबा बोले कि ठीक है बच्चा। फिर वो संत उससे बोले कि बेटा जो भी जैसा भी और जितने भी दिन के लिए तुम्हें काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। संत की बात सुनकर गंगाधर उनसे बोला कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, आप कहानी सुनाइए। संत बोले कि कहानी तो खत्म हो गई। तभी उस युवक ने कहा कि ये कैसी कहानी थी, आपने जो बात कही है वो उपदेश था। तभी संत ने कहा कि बेटा यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर संत ने उस युवक से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, निकालो एक और सोने का सिक्का। कुछ सोच समझकर गंगाधर ने एक सोने का सिक्का और साधु को दे दिया और कहा कि सुनाओ महाराज। तब वो संत कहने लगे कि बेटा कभी किसी के दूसरे के हक पर छल कपट हिर्ष्या से अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी भी उस पर खराब मत करना। ये सुनकर वो युवक बोला कि फिर महाराज? तो संत ने जवाब दिया कि फिर क्या हो गई खत्म कहानी? तब उस युवक ने कहा कि महाराज आपने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। तभी संत ने उसे कहा कि बेटे मेरे उपदेश बड़े ही कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उन संत से कहा कि महाराज ये लो तीसरा सोने का सिक्का और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। संत बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उन संत बाबा से कहा, ये लो मेरे 2 और सोने के सिक्के ले लो, मुझे 2 और उपदेश सुना दो। फिर संत ने चौथा उपदेश कहा कि सुनो बेटा गंगाधर, तुम चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें प्रेम से बुलाकर बिठाता है तो उसकी बात हमेशा सुनना, उसे ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारे लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
और आखिरी उपदेश ये है कि दुराचारी स्त्री का कभी भी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता है। इतनी बातचीत के बाद वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए। तब संत ने कहा कि अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है। अब मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और तुम भी अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताए 5 उपदेशों को कभी मत भूलना। तब गंगाधर ने उस संत से कहा कि महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान रखूँगा। और इसके बाद वो संत अपनी राह में चले गए और गंगाधर अपने रास्ते पर चलने लगा और सोचने लगा कि महाराज की कही बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु महाराज मुझे ये उपदेशे बिना पैसे लिए भी बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? इन्हें पैसे की क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बाद में इसके बारे में इनसे पूछ लूँगा। चलते चलते वो नगर में पहुँचा। अब उसके पास कोई धन भी नहीं था, इसीलिए वो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वो नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहाँ पर उसे चंदन नाम का एक युवक मिला। उसने गंगाधर से कहा कि सुनो भाई, मैं यहाँ पर महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने माँ के पास जा सकूँ। अगर तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर चलो महाराज के पास। चंदन की बात सुनकर गंगाधर को उन संत का पहला उपदेश याद आया कि जो भी जैसा भी जितने भी दिन के लिए तुम्हें काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। यही सोचकर गंगाधर ने चंदन को हाँ कर दिया और उससे कहा कि चलो भाई। फिर चंदन गंगाधर को लेकर राजा के सामने आया। वो राजा बड़े ही पराक्रमी और दानी थे। उनकी एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक रख रखे थे, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को लेकर राजा के पास गया और बोला कि महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम है गंगाधर, मैं अपने स्थान पर इसको रख कर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तब राजा ने कहा, यदि ये भरोसेमंद आदमी है तो इसे लेकर जाओ और सारा काम समझा दो और तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उनका दंड तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। चंदन बोला कि ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। फिर चंदन गंगाधर को लेकर साई अस्तबल में पहुंचा। वहां बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा कि सुनो गंगाधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे नीचे होंगे, तुम्हें इनकी देखभाल करनी है, इनको अच्छे से खिलाना पिलाना है और इनकी मालिश करनी है। गंगाधर बोला कि मैं समझ गया, तुम निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाओ मित्र। फिर चंदन ने गंगाधर को अस्तबल में बने एक कमरे को बताया और कहा कि ये मेरा कमरा है, आज से जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ये तुम्हारा कमरा रहेगा, अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद चंदन वहाँ से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गया। इधर गंगाधर घोड़ों की अच्छे से देखभाल करता। राजा घोड़े को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 शेर चने देता था। गंगाधर ने भी 20 शेर चने लिए और अपने अस्तबल में आ गया। वो उन चनों को पानी में भिगो देता और उनको कूटकर घोड़ों को खिलाता। अपना काम पूरा करने के बाद एक दिन गंगाधर ने सोचा कि चलो दूसरे सेवकों के पास जाकर थोड़ी गपशप कर ली जाए। यह सोचकर वो उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज उड़ा रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वो सभी शराब पी रहे थे, तो गंगाधर ने बोला कि अरे भाई, आपने अपना काम तो पूरा ही नहीं किया और नशे में लग गए। तब उन अन्य सैनिकों ने कहा, अरे नहीं भाई, बिना पूरा काम किए भला किसमें इतनी हिम्मत है जो नशा पानी करे, भाई हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब गंगाधर ने देखा कि उनके पास तो बहुत सारा चना पड़ा हुआ था, तो उसने उनसे कहा कि भाई अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा हुआ है। तब अन्य सेवकों ने कहा कि भाई ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 शेर चना मिलता है,
जिसमें से हम 5 सेर चना तो घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का बचा 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर गंगाधर की आंखें हैरानी से फट गई। वो बोला, ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवक बोले, अरे भाई, बेईमानी हो या फिर धोखा, पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और हाँ, हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, उनको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। गंगाधर उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि वो लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह बेईमानी से काम करूंगा और काफ़ी रुपया बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उन संत बाबा की कही दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी कि बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरों की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नियति खराब मत करना। ये सोचकर वो बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से गंगाधर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े एक महीने के भीतर ही अस्तबल में सबसे तंदुरुस्त, सुंदर और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा है, आप सेवकों को ये सूचित कर दो, वो सब अपने घोड़ों को लेकर साई मैदान में आ जाए, मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह गंगाधर सहित सभी सैनिक अपने घोड़ों को नहला धुला कर साई मैदान में पहुँच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। तभी महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ और मरियल दिख रहे थे। वो देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत ही सुंदर और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि सभी सेवकों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की है। इसके बाद राजा आगे बढ़ते बढ़ते गंगाधर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके घोड़े तो बड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। तो ये सब देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और वो गंगाधर से बोले कि शाबाश, ये हुई ना बात। फिर उन्होंने गंगाधर से कहा कि तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाधर राजा के पास गया। तब राजा ने उससे कहा कि गंगाधर, तुम वही हो ना जो चंदन के साथ आए थे? तब गंगाधर ने कहा कि हाँ महाराज, मैं वही हूँ। तब महाराज बोले कि गंगाधर, हम तुम्हारी सेवा व ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं, बाकी सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है, उनकी एक सी देखभाल करी जाती है। तब कुछ सोच समझकर गंगाधर ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सेवक यहाँ पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा कि ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहाँ पर पहुँचे। तब राजा ने कहा कि गंगाधर, अब बताओ। तब गंगाधर ने कहा कि महाराज, सच बात तो ये है कि आपके सभी सेवक बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा ये थी कि सभी को 20 सेर चना घोड़ों को खिलाना है, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का बचा 15 सेर चना बाजार में बेच दिया करते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। गंगाधर की बात सुनकर महाराज को क्रोध आया और वो बाकी के सेवकों पर गरजते हुए बोले, धोखेबाजों, नमक हरामो, क्या ये बात सच है? जवाब दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे थरथर कांपने लगे और बोले कि क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब गंगाधर ने कहा कि महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बार इन्हें क्षमा कर दें। गंगाधर के कहने पर राजा ने उनको माफ कर दिया और गंगाधर से कहा कि मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करता हूँ, आज से तुम्हारा काम
इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई भी मुट्ठी भर चना गायब करने की सोचे तो उसकी सूचना तुम मुझे दोगे। गंगाधर ने कहा कि ठीक है महाराज। फिर राजा ने उसको एक हीरे की अंगूठी दी और कहा कि तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने के लिए महल में आ सकते हो। इसके बाद गंगाधर और बाकी के सेवक महल से बाहर आ गए। तब गंगाधर ने बाकी सेवकों से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन अगर तुम फिर से कोई गलती करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब ये सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद फिर किसी भी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की थी और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। ये देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो उठे। कुछ ही दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने नगर से वापस लौट आया और उसने जब घोड़ों को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सभी सेवकों ने चंदन को घेर लिया और सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर चंदन ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, उस गंगाधर को मैं अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया। तब उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद वो एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब गंगाधर अपने कमरे में आया तो वो चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उससे बोला कि मित्र चंदन, तुम कब आए? तब चंदन ने कहा कि मैं कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। तब गंगाधर ने उसे सारी घटना बताई जो चंदन ने पहले ही जान ली थी। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। चंदन को नींद नहीं आ रही थी, वो तो गंगाधर से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल हो रहे थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तकिए को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वो तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर बहुत ही तेज बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर गंगाधर की नींद टूट गई और वो सोचने लगा कि जरा मैं घोड़ों को संभाल कर आता हूँ, कहीं सेवकों ने उन्हें बाहर तो नहीं छोड़ दिया। यही सोचकर वो अस्तबल की तरफ चला गया। तभी फरस पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में ये उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदन के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और चंदन को उठाने लगी। चंदन घबरा कर उठ गया और बोला कि राजकुमारी, तुम इस समय यहाँ पर क्यों आए हो? जल्दी वापस लौट आओ, यहाँ पर गंगाधर है। लेकिन तभी चंदन ने देखा कि गंगाधर तो वहाँ पर नहीं था। वो बोला, न जाने ये गंगाधर कहाँ चला गया। ये सुनकर राजकुमारी बोली, कौन गंगाधर? उसके बाद चंदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात तो ये थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा कि तुम चिंता मत करो चंदन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चकाती हूँ। इधर जब गंगाधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थी। आवाजों को सुनकर वो हैरान हो गया और कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात्रि में चंदन किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसीलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की के भीतर झांका और राजकुमारी को अंदर देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी सेवक चंदन के साथ क्या कर रही हैं? मुझे इसी समय अपने महाराज को ये खबर देनी चाहिए। वो चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में संत बाबा की कही बात गूंजी कि बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर
वो कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब काफ़ी समय हो गया है, वो गंगाधर किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस अपने महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी वापस उसी गुप्त मार्ग से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद चंदन ने कमरे की साकल हटाई और जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसने खिड़की से भीतर देखा, लेकिन राजकुमारी भीतर भी नहीं थी। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और मन में बोला कि हाश्य है, दरवाज़ा खुला है, ये सब क्या चक्कर है। फिर वो भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। फिर उसने सोचा कि कल सुबह चंदन की अनुपस्थिति में मैं उस मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के पास आए और बोले कि क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तभी उसने कहा कि पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वो उस खिड़की से कूदकर भाग गया। ये सुनकर राजा बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत कैसे हुई, वो महल में घुसा तो घुसा कैसे, मैं भी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। तब राजकुमारी ने कहा कि सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी, वो तो आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर महल के भीतर घुसा होगा। ये सुनकर राजा के मन में क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी और राजा ने कहा कि गंगाधर अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे कल उस हरामखोर का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर राजा ने कहा कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये सुनकर राजकुमारी मन में सोचने लगी कि मेरी योजना कामयाब हो गई, अब मेरे और मेरे चंदन के बीच कोई भी कांटा नहीं रहेगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में तो गए, लेकिन उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे कि कल सुबह में गंगाधर को राजदरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा, परंतु तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। वो सोचने लगे कि जब राजदरबार के सभी लोग गंगाधर को मृत्यु दंड देने का कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा, अगर मैं उन्हें सच कहूँ तो मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे मुँह पर तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं राजा हूँ, लेकिन पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तभी राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यही ठीक रहेगा, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम सिर्फ कासिम कसाई कर सकता है। यही सोचकर राजा सो गए। सुबह जब राजा कासिम कसाई के पास जा रहे थे तो सौभाग्यवश कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने कासिम से कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद वो एकांत स्थान पर गए। वहां राजा ने कासिम से कहा कि कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तब कासिम ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। कासिम राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने राजा से कहा कि ठीक है महाराज, आप उस व्यक्ति को मेरे कसाई खाने में भेज देना। तब राजा ने कासिम से कहा कि ठीक है कासिम, मैं अभी कुछ देर बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा, उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम उस सिर को एक कपड़े में लपेट कर उस आदमी को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। मैंने जो भी तुम्हें कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा ये अपराध हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपनी दुकान पर जाओ, उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। फिर कासिम कसाई अपनी दुकान पर चला जाता है और राजा अपने महल में आ जाता है।
राजा महल आकर गंगाधर को बुलाता है और उसे कहता है कि गंगाधर, तुम अभी कासिम कसाई के पास जाओ और उसे कहना मैंने तुम्हें भेजा है और वो जो वस्तु तुम्हें दे वो मेरे पास लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राजा का आदेश पाते ही गंगाधर अपना काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में एक द्रंद चल रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो, हमारे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब गंगाधर ने कहा कि क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसीलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया तो उसके कानों में संत बाबा की कही बातें गूंजने लगी। बेटा, तुम किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो, यदि मार्ग में कोई तुम्हें प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बातों को जरूर सुनना, उसकी बातें ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारे लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ये विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को सुनने लगा। उधर राजा ये सोच रहे थे कि वो कासिम कसाई के पास गंगाधर का सिर लेने किसको भेजें। तभी उनकी नज़र चंदन पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मूर्ख है, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। इसके बाद राजा ने चंदन को बुलाया, उसे कहा कि सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में जाओ और उसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, फिर वो तुम्हें जो भी दे उस सामान को लेकर तुम तुरंत मेरे पास आओ, लेकिन ध्यान रहे उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। चंदन ने कहा कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद चंदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के पास पहुंचा, जबकि गंगाधर अभी भी वही साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म उपदेश सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर चंदन ने कासिम से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। इसके बाद कासिम कसाई ने कहा, तुम अंदर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। चंदन को कुछ भी मालूम नहीं था कि कासिम ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। चंदन चुपचाप कमरे में चला गया। इसके बाद कासिम भी कमरे के भीतर आया और कासिम ने दरवाज़ा बंद किया और चंदन से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। जैसे ही चंदन पीछे की अलमारी की ओर पलटा, तभी कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बांध दिया और उसने धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया और फिर वो हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान में वापस आ गया। अब वो दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर मजे से उपदेश सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुए तभी गंगाधर को याद आया कि उसे महाराज का कुछ सामान लेने के लिए कासिम कसाई के पास जाना है। वो तुरंत कासिम के पास गया और बोला, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो भी सामान है वो मुझे दीजिए। फिर कासिम ने उसे वो पोटली दे दी जिसमें चंदन का सिर था। गंगाधर पोटली लेकर महाराज के पास पहुंचा। राजा और राजकुमारी गंगाधर को देखकर घबरा गए और उसे बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस पोटली में क्या है। तब गंगाधर ने उनसे कहा, महाराज आपने ही तो मुझे किसी काम के लिए भेजा था, दरअसल मुझे थोड़ी देर अवश्य हो गई लेकिन मैं अपना काम करके लौट आया हूँ। फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। तभी गंगाधर ने कहा, मैं अभी इस पोटली को खोलकर बताता हूँ। और जैसे ही उसने पोटली को खोला तो राजा, राजकुमारी और गंगाधर की चीख निकल पड़ी क्योंकि उसमें चंदन का कटा हुआ सिर था। राजकुमारी चंदन के कटे सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि बेटी तुम ये क्या बक रही हो। राजा को क्रोध आया और उन्होंने अपनी तलवार मयान से निकाली और बोले, बेटी सच सच बताओ ये सब क्या चल रहा है। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा सच्चाई जानकर चकित रह गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बोला, ये मैं क्या करने जा रहा था, एक नेक इंसान को
बिना बात के ही मौत के घाट उतरवा रहा था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में गोप लिया। मरते मरते वो बोली कि पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया है और मैं एक निर्दोष आदमी की जान लेना चाहती थी। इसके बाद राजकुमारी ने गंगाधर से भी क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा कर दो गंगाधर, मेरी गलती की सजा भगवान ने मुझे स्वयं दे दी है, मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया है। ये कहते हुए राजकुमारी प्राण त्याग देती है। इसके बाद राजकुमारी और चंदन के शव का दाह संस्कार किया जाता है। अगले दिन भरे राजदरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं अभी सिंहासन के ऊपर बैठने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा गंगाधर होगा और मैं संन्यास ले लूँगा। सब राजदरबारियों ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने गंगाधर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से गंगाधर का राज तिलक कर दिया गया। गंगाधर अब उस राज्य का राजा बन चुका था। उसने बड़ी कुशलता और ईमानदारी के साथ राजपाट को संभाला। फिर एक दिन उसे विचार आया कि उस साधु बाबा के बताए गए उपदेश मेरे लिए कितने फायदे के रहे, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगली सुबह गंगाधर उन साधु बाबा के पास गया और बोला कि प्रणाम महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। तब संत ने कहा कि पूछो बेटा। तब गंगाधर ने साधु बाबा को सारी कहानी कह सुनाई। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, तुमने उन उपदेशों का पालन किया, इसीलिए आज तुम इतनी उन्नति कर पाए हो। फिर गंगाधर ने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु हैं और आप मुझे वो उपदेश बिना पैसे के भी सुना सकते थे, बिना कीमत के भी सुना सकते थे, लेकिन आपने मुझसे उनके बदले स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली, आखिर इसका कारण क्या था? तब संत बोले, बेटा अगर मैं तुम्हें वो सब बातें मुफ्त में सुना देता, मुफ्त में ही बता देता, तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की चीज़ किसी के दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है और ना ही वो उन पर विश्वास करता है। इसीलिए मैंने तुमसे 5 उपदेशों के बदले 5 स्वर्ण मुद्राएं ली और वो स्वर्ण मुद्राएं आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी हुई हैं। संत ने अपनी झोली से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और गंगाधर को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं, मेरी तरफ से इनको गरीबों में बांट देना। अब तुम जाओ और अपना राजपाट संभालो। देखा दोस्तों आपने, इन उपदेशों का पालन करके गंगाधर ने कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया। अगर आप भी इन उपदेशों का पालन करते हैं तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं और किसी के धोखे से बच सकते हैं और अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।